आठ जी 12 रबी अव्वल है तो नबी सल्लम का विलादत का दिन है। तो आप सबको पता है जैसा कि हर किसी के मोहल्ले से गांव से शहरों से जुलूस वगैरह निकलते हैं, यहाँ पर तकरीरें हो रही हैं, फिर जुलूस यहाँ से चलते हैं और साथ साथ आपको लेकर एंड तक चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के हैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये हैं हैरियत से। तो आज जी 12 रबी अव्वल है तो नबी सल्लम का विलादत का दिन है। तो आप सबको पता है जैसा कि हर किसी के मोहल्ले से गांव से शहरों से जुलूस वगैरह निकलते हैं, स्टेज वगैरह बनते हैं। तो आज जी हमारा भी जुलूस जो है शुरू होने वाला है, तो भी जुलूस के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं। मैं अहद वलीद हम लोग जा रहे हैं, अबू और भाई जा रहे हैं, वहाब पांच बंदे अपने घर से जा रहे हैं, तो बाकी साहब नहीं जा रहे। वासफ भी कह रहा था जाऊंगा पर वो एंड टाइम पर नहीं जा रहा। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अभी जी चलते हैं, साथ साथ आपको सारी डिटेल बताते हैं, देखते हैं जी किसका स्टेज बहुत प्यारा लग रहा है। तो साथ आपको चल के साथ बताते हैं। अगर लाइटिंग वाला व्लॉग नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, मस्त देखें क्योंकि लाइटिंग बहुत मजे की हुई थी, मस्त देखना आप लोग भी। चेक करें जी इंतजामिया वगैरह जिस तरह रैली वाले ब्लॉग में थी इसी तरह पहुंची हुई है, और जो है मिलाद वगैरह स्टार्ट हो चुका, तो यहाँ से जुलूस चलेगा काफी दूर तक। तो अभी चलते हैं जी फुल उधर पास। सबसे पहले जो स्टेज है छन्नी में सुहाने वाला, ये आई थिंक रात को बारिश हुई है तो उस वजह से टूट चुका है फुल। तो अभी यहाँ पर तकरीरें हो रही है, फिर जुलूस यहाँ से चलता है और साथ साथ आपको लेकर एंड तक चलते हैं। हुजूर की अगर सरे अनवर की बात की जाए, हुजूर के पाए नास सरे अनवर से लेकर पाए नास तक वाहिद हुजूर का कदरे मुबारक ऐसा है। यार यहाँ से जुलूस जो है स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ चलते हैं दिखाते हैं आपको हर स्टेज की सूरत हाल। काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं जुलूस पर, रैली से ज्यादा लोग आए हुए हैं, पीछे भी काफी ज्यादा आवाम है, आगे भी। तो साथ साथ चलते हैं जी। यहाँ पर चेक करें जी, ये दूसरा स्टेज है, ये भी काफी ज्यादा सजा धजा हुआ है। पर जुलूस रुका हुआ है एक स्टेज पर, तो अभी आगे चलेगा, फिर साथ आपको सब स्टेजों पर लेकर चलूंगा। तीसरा स्टेज आज का ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बच गया, इतना टूटा फूटा नहीं। यहाँ पर अब तक तकरीरें वगैरह हो गई, कुछ खाने के लिए देंगे, फिर अगले स्टेज पर चलेंगे। पर एक और स्टेज है, इधर सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। सब इल्तजाओं को कबूल फरमा। मौला करीम गुज़श्ता जिंदगी में हमसे जो गलतियां हुई, कोताहियां हुई, गुनाह हुए, माफी अता फरमा। काफी गंदा भी है साथ साथ, तो वहाँ पर जो है स्टेज नेक्स्ट आ चुका है। तो ये मोहल्लों का स्टेज है, काफी ज्यादा टूट फूट चुका है हवा की वजह से। इस दफा स्टेजों की कोई हालात नहीं रही बारिश की वजह से। तो अभी चलते हैं यहाँ से, फिर अगले स्टेज पर चलते हैं। शाह साहब दुआ फरमाते हैं, इसके बाद फासला रवा दवा होगा। आजी साहब दुआ फरमाते हैं। स्टेज है ना, ये थोड़ा सा टूटा फूटा नहीं है, ये बच चुका है, ये बहुत प्यारा लग रहा है जी माशाल्लाह। ये चेक करें जी, मेरा काम आसान बना देता है। खाने की चीजें भी साथ साथ मिल रही हैं और साथ साथ चल रहे हैं, एंड तक हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। यार आगे एक और स्टेज आ रहा है, वो सामने आप लोग चेक कर सकते हैं, इधर भी स्टे होगा। तो इधर भी साथ आपको स्टेज की जाकर फुल लुक दिखाते हैं, स्टेज लग कैसा रहा है। यहाँ पर बाइक हम लोग आगे लेकर आ चुके हैं, बहुत लालत है बाइकों वालों के साथ। अभी रास्ते में एक लड़ाई भी हुई है, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, वोल्यूशन हो जाती है कंटेंट की। तो ये जी टायर में चेक करें, व्लॉग बन रहा है। यहाँ से आगे हम लोग पानी पीने चलते हैं, काफी ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो ये पीछे जी स्टेज वगैरह को हम लोग छोड़ कर आ चुके हैं आगे।
कि बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पर जी, दे रहे हैं दूध की जो है जमे शीरी वगैरह, तो प्यास वगैरह काफ़ी मिट चुकी है। तो ये भी एक न्यू स्टेज है, यहाँ पर भी आ रहा है पीछे से जी जुलूस, तो हम लोग थोड़े से आगे आ चुके हैं अभी। माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टेज डेकोरेट हुआ हुआ है, इनको टाइम मिल गया है स्टेज को रिन्यू करने में, तो इन्हें वापस रिन्यू कर लिया है सारा। हाँ बहुत प्यारा है ये भी। लोग बस आखिरी स्टेज की तरफ रवान दवा होने वाले हैं, तो सारी टीम जो है पीछे चल कर आ रही है, चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अगले स्टेज पर चलते हैं आखिरी बार। सारी आवाम आ रही है बहुत तेज़ी के साथ और आगे आगे हम लोग जा रहे हैं। ये क्या करें जी, काफ़ी आवाम पीछे आ रही है, फुल जुलूस का मैं आपको रिव्यू नहीं करा सकता। ये क्या करें यहाँ पर, तुम मोबाइल साइड में कर लेंगे। क्या करें जी, बहुत दूर तक जुलूस है, बहुत बड़ा ही सफ़र जुलूस है रहा। क्या करें जी, ये टाफियाँ खजूरें वगैरह कुछ मिली है यहाँ पर। ये जी काफ़ी दूर तक जी ये जुलूस आ रहा है, अभी तक इसका कोई सिरा ही नहीं नज़र आ रहा जी। हलवा दे रहे हैं, बांट रहे हैं यहाँ पर सब बंदू को। चेक कर सकते हैं साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा आवाम चेक कर सकते हैं जी कैसे जा रही है। यहाँ के एक यूट्यूबर हैं आई थिंक, वो भी कहीं रोड पर होंगे, उनसे भी मिलते हैं जी अगर मिल गए तो। फुल बाइकों की सही रश पड़ चुकी है, बहुत मज़ा आ रहा है इस रश में चलने का। फुल बाइकें बहुत मज़े की चल रही हैं, इतनी ज़्यादा आवाम बाइकों पर है कि कोई हिसाब नहीं। लोगों ने फुल रास्ता ब्लॉक किया है ताकि सारे बंदे जी इकट्ठे हो सकें। हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी के कपड़ों में, हम लोगों को इस वजह से मेरा शुक्र है, हम लोगों को शुक्र है आगे निकाल दे क्योंकि मुहिम की सिक्योरिटी होती है, हर दफा दो नंबर से पकड़ी होती है बंदे ने। तो शुक्र है हम लोग को जगह मिल गया, तो आगे निकल चुके आ चुके, तो अभी फुल ऑफिस में आपको फुल डोर उठा देते हैं एक बार जी। पहुंच चुके हैं, नाते वगैरह लगी हुई हैं, ये चेक कर सकते हैं इसकी जो इंतजाम किया जो है। पहला मोटरसाइकिल हमारा ही आया है यहाँ पर, ये चेक करें जी माशाल्लाह खड़ी है। ये आगे मिला दें, नाते वगैरह लगी हुई हैं, पानी यहाँ से पीते हैं और सारे अंदर बैठेंगे फिर लंगर वंगर देंगे जी। पानी यहाँ पर पी लेते हैं, बाकी वाम के आने के पहले बहुत ठंडा ठंडा पानी यहाँ पर जी पड़ा हुआ है। ये जी सामने नाते वगैरह लगी हुई है, अंदर चलते हैं, अंदर का फूल आपको टूर देते हैं जी। मोहन कह रहा है कि जो विलागर थे वो आ गए हैं, तो देखते हैं अभी यार उनसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं। हाँ जी मैं कहूँ तो कह रहा है विलागर आ गए हैं यार, हमें गलत चुल भाई नहीं आए। हमने खड़े हैं जी, इनसे मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर जी जुलूस जो है वापस बिल्कुल एंड होने वाला है, एंड स्टेज पर पहुँचने वाला है। तो विलागर भाई से भी मिल चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर है, तो ये चेक कर सकते हैं कैसे जुलूस जो है पूरा पहुँच है। थोड़ा सा हौसला अफजाई हो चुकी है क्योंकि विलागर भाई भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो वहाँ चेक कर सकते हैं सारी पहुँच चुकी। ये जो लास्ट स्टेज है यहाँ पर, ये सामने जी विलागर भाई हैं हैदर। ओफ भाई साहब बहुत आवाम है, बहुत आवाम है। ये चक्रे डंडू के साथ रोक कर बंदे इन्हें रखे हुए हैं। वाह जी वाह जी वाह जी, भाई साहब अभी ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं बंद, एंड पर फिर आपसे मिलते हैं। चेक करें काफ़ी ज़्यादा आवाम आ चुकी है, पटवारी ब्लॉगर से मिल चुके हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पर जी काफ़ी लोग यहाँ पर जी खड़े हैं, फुल जी जगह क्लियर हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी हमारा बाइक जो है घर से आ चुका है ब्लैक कोबरा, तो उसी पर वापस जाएंगे यहाँ से लंगर वगैरह खा कर अंदर से। करें जी काफ़ी ज़्यादा जो आवाम है अंदर बैठ चुकी है फुल, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मौसम जो है ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर धूप नहीं रही, उस दर्जा की बसीरत नहीं है, तकरीर वगैरह यहाँ पर हो रही है जो सिर्फ जाहिर की आंख ही रखता है। अगर वो खुदा की शान के जलवे देखना चाहे तो वो भी ये जल
पर जी जलूस खत्म होने वाला है जी। यहाँ पर जो है चावल वगैरह सब दे रहे हैं, हमें भी लंगर मिलेगा। लड़कों के साथ मैंने सही प्रैंक किया है कोर आवाज में, कैसा लगा है भाई, मजा आया है? तो यहाँ पर जी सारे लोग बैठे हुए खाना वगैरह खाते हैं और चलते हैं। फिर टाइम के बाद चावल आए तो ये खा लेते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। चावल वगैरह खा चुके हैं तो यहाँ से वापस निकलते हैं घर। पानी वगैरह नहीं था तो हिचकियाँ लग पड़ी थी, तो पानी दूर था तो इस वजह से चावल कम ही खाएं। तो मोहिन साहब अभी भी चेक कर सकते हैं जी, वहाँ पर खा रहे हैं चावल। तो अभी बस निकलते हैं घर के लिए, जल्दी से जाकर वीडियो भी एडिट करनी है और क्रिकेट भी खेलनी है। 6 hours later रबी लेवल का जो व्लॉग है वो आप लोग बताएं छोटा सा आपको कैसा लगा है। अभी आपको बताया दी की शिद्दत जो है वो थोड़ी सी तेज हो चुकी है, तो उसकी वजह से हमारे जो पिंजरे वाले कबूतर वो थोड़े से मतलब ना वो सर्दी में होते हैं, तो उनके घर के आगे हम लोग कुछ लगाने वाले हैं कपड़ा शपड़ा, जिसकी वजह से वो सिक्योर वो सही से कहाँ रह सकें। तो यहाँ पर हमने कल बोरी लाई थी जिसको हम लोग कुछ हज में बोरी कहते हैं, तो ये भी लगाई थी, पर ये गेट थोड़ा सा इनका बड़ा है। तो आज ये भी एक त्रोड़ा भी लाए जिसे हम लोग कुछ हज में त्रोड़ा कहते हैं, तो ये अंदर चलते हैं लगाते हैं और एंड पर लगा कर चेक कराते हैं और फिर इधर इस ब्लॉक को करते हैं एंड। चेक करें जी, हमने मामूली सा जो है मामूली सर्दी के लिए हमने ये बंद कर दिया है। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को मत सब्सक्राइब करें। ओके बाय।